नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। करोड़ों किसानों के लिए अपडेट, इस दिन जारी हो सकती है 17वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 2,000, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 महीने में 3 बराबर किस्तों में 2,000 करके सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों खातों में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है। पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए EKYC अनिवार्य है। पीएम किसान योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। चूंकि मई से जून के बीच लोकसभा चुनाव की वोटिंग चलेगी और आचार संहिता लागू है, ऐसे में संभावना है कि 4 जून को नतीजे आने और फिर एक हफ्ते में नई सरकार गठन होने के बाद किस्त भेजी जा सकती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भी मोदी सरकार जून से पहले मई अंत में किस्त जारी कर सकती है। फिलहाल फाइनल तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। किसान अपडेट के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। लाडली बहना योजना को आज मिलेगा तोहफा, खाते में आएंगे 1,250 रुपये। आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,29,00,000 लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। आज शनिवार को योजना की 12वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत फिर बहनों के खातों में 1,250 रुपये आएंगे। बता दें, 7 मई को मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होना है और 5 को रविवार है। इसके चलते राज्य सरकार ने बहनों को 4 मई को किस्त देने का फैसला किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किस्त समय से पहले जारी हो रही है। इससे पहले मार्च अप्रैल में भी किस्त जल्दी जारी की गई थी। सीएम मोहन यादव ने कहा, 5 साल में गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये करेंगे। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस महीने लाडली बहनों के खातों में 5 मई की जगह 4 मई को राशि डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 मई को रविवार, इसलिए एक दिन पहले ही बहनों के खातों में राशि डाल दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा, आने वाले 5 सालों में किसानों को गेहूं के लिए 3,000 रुपये समर्थन मूल्य राशि दी जाएगी। आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि पीएम मोदी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम 2,700 रुपये में किसानों से गेहूं खरीदेंगे। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन सरकार 3 महीने के लिए नहीं बनती है, वो 5 साल के लिए बनती है। हम अपने वादे पर कायम है। इस साल हमने 2,400 रुपये कर दिए, अगले साल ये राशि 2,650 कर दी जाएगी। उसके अगले साल 2,800 रुपये क्विंटल और 5 साल होते हम 3,000 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि हमने लाडली बहनों खातों में महीने की 5 तारीख को राशि डालने को कहा है, लेकिन अगर उस दिन रविवार पड़ गया तो हम एक दिन पहले राशि दे देंगे। प्रियंका ने मोदी को सेंसा कहा, बोली, मेरे भाई को सेजादा कहते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी को सेजादा कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को सेंसा कहकर दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई को सेजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद सेंसा बनकर फेलों में बैठे हैं। प्रियंका ने यह बात 4 मई शनिवार को गुजरात के बनासकांठा में कही। प्रियंका ने कहा कि यही सेजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्या जानने के लिए 4,000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता, वे आपकी समस्या कैसे समझेंगे। दरअसल मोदी 2014 से चुनावी रैलियों में राहुल को सेजादा कहते हुए आ रहे हैं। ज़्यादातर वे कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए राहुल को सेजादा कहते हैं। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। आपको बता दें, सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 यानी करीब 45,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन तय कर दिया। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन होना जरूरी है। यह आदेश आज से ही लागू हो गया है और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का भी फैसला लिया है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये पहुंच गई थी, तब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। बोट के बदले डायमंड रिंग, बोट डालिए इनाम पाइए। भोपाल के बोटर्स के लिए चुनाव आयोग लेकर आया लकी ड्रॉ का ऑफर। आपको बता दें, अब वोट डालने के लिए बदले डायमंड रिंग, लैपटॉप, फ्रिज, मोबाइल या डिनर सेट मिल सकता है। शायद ये बात आपको अविश्वसनीय लगे। 2 दिन बाद मध्यप्रदेश में मतदान का तीसरा चरण है और इस दिन भोपाल में भी वोट डाले जाएंगे। और अगर आप भी राजधानी में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने वोट के बदले कोई लुभावना गिफ्ट मिल जाए। 7 मई को MP में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए वोटिंग है। इसके बाद मध्यप्रदेश में शुरुआती 2 चरणों में मत प्रतिशत काफी कम रहा है, जिसके लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग भी चिंतित है। 2019 के मुकाबले काफी कम वोट पड़े हैं और वोट प्रतिशत 8.5% घटा है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अब चुनाव आयोग एक लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम के तहत 7 मई को दिन में 3 बार लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। इसमें चुने गए वोटर्स को बेहद आकर्षक प्राइज दिए जाएंगे। ये स्कीम सिर्फ भोपाल के वोटर्स के लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।